और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी अपडेट के साथ कर लेंगे। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और सुखा की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकी बौखलाए हुए हैं और आए दिन भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद इन खालिस्तानी आतंकियों को और ज्यादा शह मिल गई है, जिसके बाद एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थक कनाडा में भारत विरोधी रैली निकालने की तैयारी में है और इसके लिए बाकायदा कार्ड भी बांटे गए हैं। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस रैली में पूरे कनाडा से खालिस्तान समर्थकों और चरमपंथियों को बुलाया गया है, जो कि रैली में जमा होकर भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे। और कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ठीक 3 दिन पहले इसी तरह की एक रैली बुलाई गई थी जिसमें 25 से ज्यादा खालिस्तानी नहीं पहुंचे थे। यह रैली उनकी फ्लॉप रही थी। ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोकने के मामले में लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि स्कॉटलैंड के बाहर के 3 लोगों ने शुक्रवार शाम को यात्रा को जानबूझकर बाधित किया और एक ने एल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब में वरिष्ठ राजनयिकों के पहुंचने पर राजनयिक की गाड़ी के गेट को जबरन खोलने की कोशिश की। उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी भी की गई। ऐसे में भारत के उच्चायुक्त और महावाणिज्य दूत के फौरन परिसर छोड़ने का फैसला किया ताकि विवाद को वहीं पर रोका जा सके। गुरुद्वारा समिति और स्थानीय समुदाय के नेताओं ने घटना पर खेद व्यक्त किया है और अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी को खालिस्तान समर्थकों द्वारा रोके जाने की लगातार निंदा हो रही है। कल खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका था, जिसकी बीजेपी और कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। जो आस्थाएं हैं उन आस्थाओं पर जो है वो किसी तरह का प्रहार कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, और जो आस्था है श्रद्धा है उस पर जब प्रहार होता है तो निश्चित तौर से जो ओपन वर्ल्ड है उस ओपन वर्ल्ड में जो है वो उस पर कई सवाल खड़े होते हैं, और जो कुछ भी है उससे हम सहमत नहीं हैं, गलत है। और उस संबंध में MEA ने भी और सरकार ने भी अपनी बात रखी है। वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए। वी स्ट्रॉन्गली कंडम दिस एंड वी रिक्वेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन डायस्पोरा हियर इन UK दैट देर शुड बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन ऑन दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स हु रियली वॉन्ट टू डिस्टर्ब द पीस एंड द कम्युनल हार्मोनी ऑफ दिस कंट्री। खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क कनाडा के बाद ब्रिटेन में भी एक्टिव हो गया है। ग्लासगो में भारतीय राजनयिक को गुरुद्वारे में जाने से रोकने की हरकत के बाद खालिस्तानी आतंकियों की नई करतूत सामने आई है। लंदन में खासे सक्रिय खालिस्तानी आतंकियों ने ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर की कार पर लाल पेंट फेंक दिया और उनकी कार पर गोलियां भी चलाई। UK से जुड़ी एक कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी कर हरमन सिंह ने दावा किया कि खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार पर लाल पेंट फेंका और गोलियां भी चलाई गई। हरमन सिंह का दावा है कि वो खालिस्तान का विरोध करते हैं इसलिए उन पर हमला हो रहा है। हालांकि अभी तक UK पुलिस की तरफ से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी तरह की कार्रवाई की गई है। सबको सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। मैं हरमन सिख हूँ एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूँ। इनके खिलाफ मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए, ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे आ रहे घर के बाहर आए, पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। खालिस्तानी की खोतेस्तानी इंग्लैंड के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं, आम आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। हरमन जी, ये कब से हो रहा है और कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और आपने क्या क्या किया? पुलिस को बुलाया, पुलिस को बताया, पुलिस हेल्प कर रही है नहीं कर रही है? 8 महीने से ये लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मेरे पे 4 अटैक हो चुके अब तक।
इन्होंने मेरे बीवी बच्चों की फोटोएं डाली ऑनलाइन, उनको चूमा चाटा रेप थ्रेड दी, मेरे घर के एड्रेस ऑनलाइन फेंके, मेरे बच्चों के स्कूल के एड्रेस कॉलेज के एड्रेस ऑनलाइन फेंके, जाओ उनको मारो रेप करो विल पे यू। पुलिस को कंप्लेंट की है, पुलिस यहाँ की बिकी हुई है, सरकार यहाँ की बिकी हुई है, ऋषि सोना कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं कर रहा सरकार, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 8 महीने हो गए आज तक की, फिर आज गोली मार गए सुबह सुबह। तो हरमन सिंह पर ये जो हमला है ये वाकई कायरता की निशानी है और खालिस्तानी इस कायरता को बार बार अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में यूके में ब्रिटिश हिंदुओं और भारतीयों के लिए मूवमेंट चलाने वाले संगठन इनसाइट यूके ने कहा है कि हरमन सिंह कपूर एक ब्रिटिश सिख हैं जिन्हें उनके परिवार समेत खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से हिंसा और रेप की लगातार धमकियां मिलती रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरमन को महीनों पहले से टारगेट कर रहे हैं और कई बार धमकियां तक दे चुके हैं। हरमन सिंह खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करते हैं और सिख गुरुओं की सच्ची शिक्षाओं के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हरमन के परिवार वालों को भी धमकियां मिलती रहती हैं। संगठन इनसाइट यूके ने लंदन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस परिवार पर कई महीनों तक अत्याचार करने के मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। लंदन की कानून व्यवस्था के लिए खालिस्तानी बड़ा खतरा बन गए हैं और ऋषि सुनक सरकार में चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर संगठन ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।